जीवन जीने को मजबूर पशु चिकित्सालय का एक कर्मचारी। पशु चिकित्सालय के कर्मचारी का मकान कल रात पानी की और ओलों की वजह से गिर गया, जिससे पूरा सामान भी गया। जब हमारी टीम ने मौके पर जाकर देखा तो पशु चिकित्सालय के कर्मचारी का मकान नाले किनारे बना हुआ है। वहीं साथ ही कर्मचारी ऐसी दयनीय स्थिति में रह रहा है जैसे कोई झोपड़ी में रह रहा हो। उक्त झोपड़ी के मालिक ने बताया कि पहले उसका मकान पक्का था, जिसे पशु चिकित्सालय के अधिकारियों द्वारा उसने यह कहकर खाली करवा दिया गया कि यह मकान नया बनेगा, अब साथ ही अपना मकान कहीं और बना लो। जिसके बाद उक्त अधिकारी द्वारा नाले के पास जगह दी गई, जिसका उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन उन्हें विरोध करने पर धमकी मिली। साथ ही कहा गया कि रहना है तो यहीं रहो, नहीं तो निकल जाओ। कल रात तेज पानी गिरने से बुजुर्ग दंपति का पूरा सामान भीग गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस स्थिति में रह रहे हैं वो कर्मचारी। वहीं जब इस संबंध में पशु चिकित्सालय के अधिकारी से बात करना चाहिए तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। क्या मामला है ये बता। ऐसी घटना हुई कि पहले हम उधर रहते थे जो हमारे पुराने मकान थे, तो क्वार्टर था सरकारी, क्वार्टर था सरकारी, वो भी हम सही करके रह रहे थे उनको। तो साहब ने बोला कि इधर मकान टूट रहा है, दूसरे बनेंगे, आप उधर पहुंच जाओ। हमने उनसे बोला कि हमें साहब ऐसी जगह दो जहाँ पर हम मकान बना के और कच्चा ईंट मट्टी का बना के हम रहे, लेकिन उन्होंने हमें जानबूझ के नाले की जगह दी। जब हमने हाथ पैर जोड़े थे साहब, तो वो पूरा बरसात का पानी उसमें भरेगा है, तो हम बरसात में हमारे क्या हाल होंगे। तो उन्होंने कहा रहना वो तो रहना, निकल जाओ यहाँ से। कौन ने बोला, कौन अधिकारी साहब ने? डिप्टी साहब ने, जो डिप्टी साहब हैं जो हमारे अभी आए हैं नए, उन्होंने बोला। तो हमने फिर जैसे तैसे करके, क्यों ना तो हमारे पास जमीन है, ना पैसा है, ना मकान है, तो हम मजबूरी में हमने जो नाले की जगह पर पूर्णी डाल के जैसे तैसे उसकी भरपाई करके हमने दोनों आदमी ने हमारे बच्चे ने हमने बना लिया मकान, क्योंकि हमारे पास मजदूर लाने के लिए पैसे ही नहीं थे, तो हमने बना लिया। अब एक पानी आज ऐसा गिरा, बरसात अभी तो बरसात भी नहीं हुई, ये पहले ही पानी में हमारे पूरे घर में पानी भर गया, पूरे बिस्तर। क्या नुकसान हो गया आपका? हमारा आटा सामान सब खराब हो गया, हमारे बिस्तर पहनने के कपड़े, जहाँ तक कि हमने सुबह चाय बनाई थी उसमें सब पानी भर गया हमारे। जो कौन करता है? मेरे पति कर दे। क्या नाम है उनका? ब्रज किशोर गोदर। क्या पद पे है वो? वो सफाई करता है। सफाई करता है। कितने वर्ष हो गए इनको नौकरी करते? इनको 22-23 साल हो गए। तो इसकी शिकायत आपने कोई अधिकारी को या कोई बड़े अधिकारी को करी? कहीं नहीं की। और यही कहता है, जो अफसर आया जब से यही कहता है कि तुम्हारी कोई पोस्ट नहीं है, तुम कोई कर्मचारी नहीं हो,